अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। एंड रिजवान जी, डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुश होंगे और महफूज भी। जी डियर व्यूवर्स, हमेशा की तरह आज फिर सादिया रिंद का एक नया व्लॉग आया है। हमने चाहा कि हम आपके सामने वो व्लॉग लेकर के आएँ। तो व्लॉग के टाइटल की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बाकायदगी के साथ मौसूल होते रहें। जी डियर व्यूवर्स, आज सादिया रिंद का आपको पता है, पाकिस्तानी व्लॉगर हैं, इस वक्त बांग्लादेश में मौजूद हैं। उनके हस्बैंड इमोन हैं और वो भी और सादिया रिंद मिलके, जो उनके पेरेंट्स हैं जो ढाका के अंदर मौजूद हैं बांग्लादेश के अंदर, उनकी 41st एनिवर्सरी, मैरिज एनिवर्सरी आज वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसके ऊपर उन्होंने ये व्लॉग बनाया है। टाइटल आपके सामने रखता हूँ, फिर बढ़ेंगे हम व्लॉग की तरफ। 41st मैरिज सेरेमनी ऑफ माई बांग्लादेशी पेरेंट्स बाय सादिया रिंद। उनके जो बांग्लादेशी पेरेंट्स हैं, यानी उनके जो सूसर हैं और सास हैं, उनकी 41 साल मुकम्मल होने के ऊपर शादी की एनिवर्सरी वो सेलिब्रेट करने जा रही हैं। बढ़ती है जी वीडियो की तरफ, वीडियो देखते हैं आखिर तक, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। 3, 2, 1 एंड क्यू। अस्सलाम वालेकुम एंड हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दोस्त हु आर न्यू, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद अच्छे होंगे। तो आज ना सुबह सुबह हम उठ के नाश्ता वाश्ता कर लिए, लेकिन सुबह एक बहुत बड़ा सीन हो गया, वो मैं आपको डिटेल में बाद में बताती हूँ कि माँ और अब्बा का क्या रिएक्शन था डेकोरेशन देख के। मैम आप उन्हें बहुत मज़े से बताया था मुझे, तो वो लोग बहुत सरप्राइज हो गए और अब्बा को याद भी नहीं था कि क्या है ये 41, क्या क्यों लिखा हुआ है। और फिर माँ ने माँ सोच रही थी कि ये दीवार में ये क्या डिज़ाइन आ गई, क्योंकि अंधेरे में अजीब लग रहा था ना, हर्ट्स थे। तो वो लोग बहुत एक्साइटेड हो गए और सरप्राइज भी हुए। और अभी हम बस मैंने ये पीछे अपने कपड़े निकाल दिए हैं, वो मैं इस्त्री करूँगी, नहा के आ गई हूँ अभी और रेडी वेडी होके फिर केक वेक काटेंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ उनको केक और बिरयानी दोनों पसंद आए। कच्ची बिरयानी जो है वो बांग्लादेशी डिश है जो मैंने फर्स्ट टाइम बनाई, और केक भी जो है चीज़ केक, उम्मीद है अच्छा होगा। चलो सबसे पहले ना मैं रेडी हो जाती हूँ, और आज फिर मेरा बाहर जाने का भी इरादा है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ना यहाँ के बादल दिखाती हूँ, बहुत खूबसूरत है। मौसम सुहाना है। खोल रही हूँ क्योंकि ये मुझसे रहा नहीं गया, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इतना खूबसूरत बादल है यार, माशाल्लाह देखो ना, दिल करता है बादल को जाके ऐसे टच करें। का मौसम बहुत अच्छा होता है ना, मुझे बादल दिखना। और बहुत हवाएं भी चल रही है, फिर बारिश भी हुई थी आज, तो वेदर बहुत अच्छा है। बलोची पाकिस्तान में मिली थी पीआर पैकेज में, लेकिन मुझे बहुत पसंद आई इसलिए मैं साथ में लेके आई। तो अभी इसको ना इस्त्री करेंगे, यहाँ पे इस्त्री करेंगे हम, ठीक है? बेड पे इस्त्री कर रहे हैं क्योंकि इधर मैंने रूम को ठंडा कर लिया है ना, यहीं पे इस्त्री कर लेंगे। इसका पजामा भी बहुत अच्छा है, कपड़े ना जलवल ना जाए, इतने टाइम के बाद इस्त्री कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे टी शर्ट्स जो होते हैं वो इस्त्री करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसलिए नहीं करती हूँ मैं इस्त्री। लेकिन ये वाले जो पाकिस्तानी ड्रेसेस हैं वो इस्त्री मस्ट करना, उसको इस्त्री करते। वाओ, कटिंग हो रही है। अरे यार इमोन के हाथ देखो, सारे बाल मुझ पे ट्रांसफर हो गया। और इमोन अभी ना फादर के बाल काट के आ गया है। गुड जॉब इमोन, यू डिड अ गुड जॉब, दुआएं मिलेंगी बहुत सारी। सो फाइनली आई एम रेडी। इमोन कैसे किया मैंने मेकअप आज? लाइट सा मेकअप। और मेरी ड्रेस तो दिखाओ, दग्गा। तुम ये पकड़ो, ऐसे पकड़ो, मैं थोड़ा पीछे जाऊँ। ये है मेरी पूरी ड्रेस, और इस ड्रेस के पीछे की स्टोरी है। ये मेरी ड्रेस ना पाकिस्तान में मुझे मिली थी, तो वो थी स्टिच नहीं थी ना, तो मैंने जल्दी जल्दी से स्टिच कराना था, कहाँ से कराती हूँ, बस टाइम नहीं था। तो मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है, बचपन की एक दोस्त है मेरी, उसने मुझे ये सीख के दिया। थैंक यू सो मच रशीदा। हमने साथ में कुरान शरीफ पढ़ा था। हम जा रहे हैं केक वेक काटने, में खाना खाएंगे, केक काटने के बाद मैं उनको सरप्राइज दूंगी जो फोटो फ्रेम है, ठीक है? तो अभी हम लोग ना फाइनली सब रेडी हैं केक काटने के लिए। मैं आपको बेक कैमरा से दिखा दूँ। वेट, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू।
मुबारक गिफ्ट नहीं ऐसे दिया खोलो हम सब की तरफ से आप दोनों के लिए खोलो 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 तुम अब्बा देखो देखो खोलो ये मैंने अभी तक किसी को दिखाया भी नहीं अभी दिखाओ ये पहले ये जो मेरा शादी और प्लान हमने बताया भी था सदरगा टू बरिशाल खूबसूरत जगह शादी के दिन नाना আজকে আপনার ভালো লাগছে ভালো লাগছে তোমাদের আয়োজনটা খুব ভালো হয়েছে সব থেকে কাতে ফ্রেঞ্চ ল্যাঙ্গুয়েজ এটা সাদিয়ার আইডিয়া ছিল মা সুন্দর হয়েছে ওই যে তোমার কাছে অ্যালবাম নিছিল চা হ্যাঁ তুমি বুঝছিলা না আপনি তো সেমনে মনে আর দেখবে আমি সব মিলে চুপ চুপ করে তোমার ম্যারেজ এর কথাই মনে নাই চলো এখানে अभी ना मैं सबसे पूछूंगी मेरा खाना कैसा हुआ ऐसा ना लगे आप लोगों को कि मैं झूठ बोलती हूँ अपने खाने की तारीफ खुद करती मापू कैसे मजा हुई से अनेक मजा एक्सेर मजा एक्सेर मजा कैसा हुआ है ना नवाज पुत्र कैसा हुआ है ना भाई अब्बा बालो आशे कौन बना अनेक मजा डिलीशियस डिलीशियस Abba, he is very क्या कहते हैं he speaks French very well, but I don't understand. And she is also a French professor, so they both can communicate. French को अच्छी तरह समझते हैं ये. Mohan, Bangla professor. माँ कैमोन ऐसे. बंगला की नाम है. वो बालो ऐसे. सच में सच में. बालो. हैं. बालो ऑनलाइन पढ़ाना. वो भी सुंदर. कच्ची बिरयानी. बांग्लादेशी डिश. माँ और अब्बा जो है वो बहुत सरप्राइज हो गए उनको बिल्कुल भी झलक नहीं पड़ रही उन लोगों ने बोला कि रात को कुछ हो भी रहा है क्या अच्छे से सो रहे थे और हम फाइनली अमर कामयाब रहे उनको गिफ्ट भी बहुत पसंद आया अभी हम थोड़ी देर में बाहर जाएंगे लेकिन मैं आपको ना दिखाती हूँ बादल क्या है अभी बारिश हो रही है दिन ब दिन का टाइम है अभी 2-3 बज रहे हैं और रात की तरह है बाहर ये देखो हमने सोचा अभी बाहर निकलेंगे लेकिन बारिश हो रही है हल्की हल्की पूरा अंधेरा है दिख रहा है ना क्लाउडी वेदर
अभी ना हम लोग बाहर आए हैं, सामान लेना है कुछ, और मेरी कॉफ़ी जो है वो भी ख़त्म हो गई। इमोन, आज तुम्हें कैसा लगा आज का दिन? मजा आया। व्यूअर्स, वीडियो आपने मुलाहिजा की है रिजवान, बहुत ही शानदार आज का व्लॉग था सादिया रिंद का। जिस तरह उन्होंने सारा वो दिखाया है, पिक्चर्स दिखाई हैं, उनकी याद ताज़ा हो गई है। तो मुझे एक पार्ट जो सबसे अच्छा लगा वो जो तस्वीरें इकट्ठी की हुई थी, जो उन्होंने उनकी मेमोरी जो थी उनकी वो सामने रखी है। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ की जो मेमोरी उसको रिकॉल किया और उसको फिर उन्होंने दोनों जो इमोन के वालिद और उनकी वालिदा दोनों ने अपनी मेमोरी को रिकॉल किया कि इस स्पॉट के ऊपर हम किस जगह पे गए और किस सन के अंदर, किस साल के अंदर हमने ये वाली पिक्स जो है वो बनवाई थी। वो बड़ा खूबसूरत और बड़ा ही फ्रांस में भी है, फ्रांस में तो बड़ा ही खूबसूरत उन्होंने इस इवेंट को सेलिब्रेट किया है। उनकी जो 41st मैरिज एनिवर्सरी उन्होंने सेलिब्रेट की है घर में, और मैं ये समझता हूँ इंसान इस तरह की सेलिब्रेशन से इंसान जो है वो अपनी जो गुजरा हुआ टाइम होता है उसको रिकॉल करता है। और मौसम बहुत खूबसूरत है ढाका का, जैसे सादिया रिंद ने दिखाया, लोग अच्छा बनाया है उन्होंने, लोग बनाया अच्छा। हमेशा की तरह आज भी मौसम अच्छा था जी ढाका का, और उसके साथ बिरयानी बहुत मज़े की बनाई हुई थी उन्होंने, उसके बाद केक, सारा वीडियो ओवरऑल बहुत ही अच्छा है जी। आपको कैसा लगा इसके बारे में वो आपने बताना है, कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट कीजिएगा, फीडबैक से आगाह कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ इंशाल्लाह एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।